टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से अगर वीआईपी पार्टी को कुम्हरार विधानसभा की सीट मिलती है तो वीआईपी पार्टी की ओर से युवा नेता विकास बॉक्सर का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है। आपको बता दें कि पटना के राजेंद्र नगर गली नंबर 15 स्थित वर्चुअल रैली की तैयारी को लेकर वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पहुँचे थे, जहां मुकेश सहनी के साथ वीआईपी पार्टी के छात्र नेता विकास बॉक्सर भी शामिल हुए और वर्चुअल रैली को लेकर सारी तैयारियों पर समीक्षा की गई। इसी क्रम में अपने अभिवादन में मुकेश सहनी ने सभी चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगाते हुए उन्होंने साफ कहा कि महागठबंधन की ओर से वीआईपी पार्टी को अगर मौका मिलता है तो कुम्हरार विधानसभा सीट पर वीआईपी पार्टी से विकास बॉक्सर को टिकट दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि अब युवाओं का दौर है। इस बिहार विधानसभा चुनाव में युवाओं का दौर साफ देखने को मिल रहा है। एक तरफ युवा नेता के रूप में चिराग पासवान तो दूसरी तरफ युवा नेता के रूप में तेजस्वी यादव तो तीसरी तरफ युवा नेता के रूप में मुकेश सहनी और अब चौथे युवा नेता के रूप में विकास बॉक्सर का भी नाम शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पंचायत लेवल स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि वीआईपी की नजर कुम्हरार विधानसभा सीट पर है और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अगर वीआईपी पार्टी को कुम्हरार विधानसभा से सीट मिलता है तो उसके लिए भी वीआईपी पार्टी की ओर से विकास बॉक्सर को टिकट दिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर छात्र युवा नेता विकास बॉक्सर ने कहा कि आज तक हमने हर मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ा है, सच्चाई को लेकर लड़ाई लड़ते हुए मैंने जेल की यात्रा भी किया है। आज अगर मुझे मौका मिला है कि वीआईपी पार्टी की ओर से युवाओं को एक अवसर दिया जा रहा है और मुझे भी वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आश्वासन दिया है कि अगर महागठबंधन से कुम्हार विधानसभा की सीट मिलती है तो वीआईपी पार्टी से मुझे लड़ने का मौका मिलेगा। विकास बॉक्सर ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी हम लोगों ने पूरी कर ली है। हम पंचायत स्तर पर हमारे युवा कार्यकर्ता तैयारियों में जुट चुके हैं। लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। सभी लोगों का नजर कुडार विधानसभा क्षेत्र पर है और अगर हमें मौका मिलता है तो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे अरुण सिन्हा को इस बार मुंह तोड़ जवाब दूंगा। वहीं व्यंग्यात्मक स्वर में विकास बॉक्सर ने कहा कि अरुण कुमार सिन्हा भगोड़ा नेता है, ऐसे भगोड़े विधायक की कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछली बार आए भीषण बाढ़ में ये विधायक अपने क्षेत्र से लापता हो चुके थे और जब बाढ़ का पानी नीचे उतरा तो विधायक ने अपने क्षेत्र में दर्शन दिया। अगर हमें मौका मिलता है तो हम ऐसे विधायक के खिलाफ अपना आंदोलन करेंगे और आने वाले दिनों में ऐसे लोगों को कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से बाहर कर देंगे। खैर, ये देखने की बात होगी कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से वीआईपी पार्टी को कुम्हरार विधानसभा की सीट मिलती है या नहीं। अगर मिलती है तो क्या अपने कथन के अनुसार मुकेश सहनी युवा नेता विकास बॉक्सर को टिकट देते हैं या नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं ये राजनीति गलियारों में एक नया इतिहास रचा जाएगा कि जेपी आंदोलन के बाद से आज तक किसी बड़ी पार्टी ने किसी छात्र नेता को बिहार विधानसभा चुनाव में विधायक पद पर लड़ने की अनुमति नहीं दी है और अगर ऐसा भी आईपी पार्टी करती है तो ये एक नया इतिहास रचा जाएगा। क्या विकास बॉक्सर का सीट निश्चित माना जाए? देखिए, बिहार में जो भी हम डिसीजन लेंगे महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पर बैठकर हम लोग डिसीजन लेंगे और निश्चित तौर पर हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमें अगर ये सीट मिला तो युद्ध को हम लड़ाएंगे। नीतीश जी का पास अभी समय युवा, देखिए बिहार विकासशील इंसान पार्टी में युवा सबसे आगे रहेगा और क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ और मेरी पार्टी में यूथ का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी पार्टी अगर पिछले 5-6 साल में यहाँ तक पहुँचा उसमें यूथ का बहुत बड़ा योगदान रहा, तो आने वाले समय में हम यूथ को आगे लाएंगे, साथ में बिहार को भी, बिहार में जो यूथ है उसको भी आगे लाने के लिए बहुत ऐसे प्रयास करेंगे जो बिहार में रोजगार मिले, बिहार के यूथ को बिहार में रहना पड़े। हमारे जैसे बच्चे को 18 साल की उम्र में दूसरे राज्य में जाके काम करना पड़ा, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे आने वाले पीढ़ी जो है वो यूथ दूसरे राज्य में जाकर भटके, बिहार राज्य में उनको रोजगार मिले, ऐसी हम लोग आने वाले समय में व्यवस्था बनाएंगे। सर, देखिए हमारे छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष है विकास बॉक्सर जी और युवा साथी है और वीआईपी पार्टी महागठबंधन के सहयोगी दल है। हम चाहेंगे कि पटना में वीआईपी पार्टी भी चुनाव लड़े जिसमें कुम्हरार विधानसभा हम चाहेंगे कि गठबंधन के साथी के साथ हम बात करें कि ये सीट हमें मिले और सीट मिलने के बाद हम लोग समय आने पर कैंडिडेट हम चाहेंगे कि यूथ बिहार में आगे बढ़े
इसके लिए हम समय आने पर कैंडिडेट का डिसीजन करेंगे, क्योंकि जो भी हम लोग डिसीजन लेंगे वो महागठबंधन के प्लेटफॉर्म से लेंगे। पहले बोल देना हमारे पार्टी के लिए और बिहार के लिए उचित नहीं होगा, तो जो भी समय होगा, लेकिन निश्चित तौर पे जो मैदान में रहेंगे, जो मैदान में रहेगा, जो मैदान में काम करेंगे, जो मैदान में लड़ेंगे, निश्चित तौर पर उन्हीं को अधिकार मिलेगा चुनाव लड़ने का। इसलिए हमारी पार्टी यहाँ पे नज़र रखती है कि पूरा विधानसभा वीआईपी पार्टी के कोटा में है और विधानसभा आने वाले समय में समय रहते हुए निर्णय लेगा और किसी यूथ को यहाँ पे हम चुनाव लड़ाएंगे। देखिए, बिहार के छात्रों के लिए हमेशा हमने संघर्ष किया है लगातार 8 वर्षों से। चाहे कोई भी मुद्दा हो, शिक्षा घोटाला हो, स्वास्थ्य घोटाला हो, तो हमेशा हमने शिक्षा मंत्री का घेराव, स्वास्थ्य मंत्री का घेराव करके सड़कों पर संघर्ष किया है बिहार के विद्यार्थियों के लिए और बिहार के छात्रों के हित के लिए हमने जेल भी गए हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि अगर ऐसा कहीं फ्यूचर में विद्यार्थी के साथ फिर कुछ होगा तो भी हम सड़कों पर उतरेंगे या विद्यार्थी के लिए झुक जाएंगे। विकास इंसान पार्टी हमारे दिल में है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश हैं जो हमारे दिल में है, उनका जो आदेश होगा सर्वोपरि होगा। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे पार्टी का जी के नेतृत्व में आप ये अपनी लड़ाई शुरू कर रहे हैं। जी जरूर, मुकेश जी हमारे गार्जियन है, उनका जो आदेश होगा उनको हम लोग निभाएंगे, वो जिसे आदेश देंगे वो हम करेंगे। बिहार विधानसभा में अगर सीट मिलती है वीआईपी को तो आपका नाम आगे लिया जा रहा है, मुकेश सहनी ने कहा, क्या कहना है जी? आदरणीय, हमारी तैयारी तो पूरी है कुमार विधानसभा क्षेत्र में। हमने यहाँ पर हर वार्ड में, हर पंचायत में लगभग जितने भी संख्या है हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अब महागठबंधन को डिसीजन लेना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी को डिसीजन लेना है। अगर उनका आदेश होगा तो जरूर कुमार विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे। क्या तैयारियां हैं चुनाव की, क्या तैयारी है? सभी वार्ड में तैयारी चल रही है हमारे कार्यकर्ताओं की, पार्टी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी नज़र है, हमारे मोहल्ले के, हमारे गांव समाज के लोगों की भी नज़र हमारे क्षेत्र पर है। अभी हर लोग तक पहुंचने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो यहां पर फर्जी जो अरुण कुमार सिन्हा जो बैठा हुआ है, यहां कुमार के विधायक है, वैसे गुंगे विधायक को यहां से भगाकर और जो युवाओं के हित की बात करेगा और जो अपने क्षेत्र के हित की बात करेगा, जो पटना के हित की बात करेगा, वही कुमार के विधायक बनेगा और वही विधानसभा जाएगा। एक मौका दे रही है विकास जी, जी इस बार मौका मिलता है तो नया कुछ क्या करेंगे, क्योंकि आप युवा में सबसे पहले जा रहे हैं पार्टी में। जी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर युवा पर अगर भरोसा मुकेश जी खुलकर कर रहे हैं तो हम लोग भी जान देने के लिए तैयार है, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के छात्रों के लिए, यहाँ के जनता के लिए। आपने देखा होगा कि बाढ़ के समय हम लोग सड़क पर लगातार 8 दिनों तक 10 दिनों तक सड़क पर घूम रहे थे और जो भी यहाँ पर लोग फंसे हुए थे मुसीबत में उनको निकालने तक जहाँ तक औकात हमारी तो वहाँ तक काम हम लोग कर रहे थे। युवाओं का देश देखना चाहता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये जरूरी है ना, कब तक बुजुर्ग लोग चढ़ाएंगे, बूढ़े कभी रामकृपाल जी जाते हैं तो उनके सुपुत्र आ जाते हैं, कभी सुशील मोदी जी जाते हैं तो उनके सुपुत्र आ जाते हैं, उनके चेले चपाटी आ जाते हैं। चेला चपाटी, पहले एक बात बताइए, चेला चपाटी से बिहार का राजनीति चलने वाला है? बूढ़े जो हो गए हैं, जो गूंगे बहरे यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो गूंगे बहरे मिलकर बिहार का विकास कर सकते हैं, पटना के हित के बात के बारे कर सकते हैं, युवाओं हित के बारे में बात कर सकते हैं। विकास खुद विकास का बात करता है, वीआईपी पार्टी से बड़ा चेहरा माना जा रहा है युवाओं को लेकर, इसमें काम करेंगे जनता के। पार्टी से सर्वोपरि चेहरा मेरा नहीं है, पार्टी के सबसे पहले चेहरा मुकेश सहनी जी हैं और उनका आदेश रहेगा तो हम उनका चेहरा बन सकते हैं, क्योंकि हमारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे बड़े भाई तुल्य हैं, उनका आदेश रहेगा तो हमको बिहार के या पटना के किसी भी विधानसभा चुनाव से लड़वाया जाएगा तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जीत भी दर्ज करेंगे और ये हम कैसे कर सकते हैं, अब ये तो बिहार की जनता को और पटना की जनता को तय करना है। जीत सुनिश्चित होगी। अमित पाठक जी, सुभेश तिवारी जी और हमारे प्रदेश प्रभारी संतोष कुमार जी और हमारे अनुराग पाल जी और मेरी सभा उपस्थित हमारे पटना जिला के अध्यक्ष अर्जुन सहनी जी, आनंद मधुकर जी और मुकेश मिश्रा जी और यूथ के हमारे छात्रवीर के प्रदेश अध्यक्ष विकास बत्तर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथी को, युवा साथी को। और मुझे पता था कि आज जो कार्यक्रम है ये खाने पीने का कार्यक्रम रखा जा रहा है, मुझे नहीं मानता कि यहाँ पे सभा भी होने वाला है। तो खैर, बहुत बहुत धन्यवाद बत्तर जी, आपको पूरे बिहार में एक हमने पार्टी के तरफ से आपको हमने जवाबदेही दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो जवाबदेही पे आप मजबूती से खड़े उतर रहे हैं। निश्चित तौर पे कुम्हरार विधानसभा पे हमारी पार्टी का नजर है, हम चाहेंगे कि विकास किसान पार्टी हमारी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़े। उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि बूथ स्तर पर कमेटी बनना और तैयारी करना, उसके बाद समीकरण की भी
बिहार में राज्य तंत्र करना है, चुनाव लड़ना है और जीतना है तो सभी कर्म को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे पार्टी मजबूत यहाँ पे आप लोग संगठन कीजिए। आने वाले समय में जिस तरीके से आपके ऊपर जवाबदेही पूरे प्रदेश में दिया गया है उसी तरीके से आने वाले समय में उचित स्थान उचित जगह आपको दिया जाएगा। पार्टी हमेशा आप यूथ पे खास करके भरोसा हम करते हैं और आने वाले समय में निश्चित तौर पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि वीआईपी पार्टी में यूथ का एक बहुत बड़ा असर देखने का पूरे प्रदेश में। क्योंकि मेरा मानना है अगर यूथ में अगर इस देश का अगर रीढ़ का हड्डी अगर है तो जो यूथ है, इसलिए आप लोग आगे बढ़िए। क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी एक यूथ हूँ और मेरे जुनून जज्बा ये तमाम रहने के बावजूद मैं 18 साल की उम्र में मुंबई जैसे शहर में जाता हूँ, मेहनत करके लगन से एक अपनी कामयाबी को हासिल करता हूँ और पिछले 5 से 6 साल में पूरे बिहार में एक पोलिटिकल पार्टी को हमने देश को रूप लीग को हमने बिहार में रख दिया और मजबूती से आज महागठबंधन पर हम सहयोग कर रहे हैं। इसलिए एक यूथ जो होता है उसमें बहुत सोच और समझने की शक्ति होता है और बहुत जुनून होता है। इसलिए आप लोग निश्चित तौर पर काम कीजिए पार्टी के लिए, पार्टी को ऊंचाई तक लेके चलिए। निश्चित तौर पर कल का बिहार जो होगा वो आपका होगा क्योंकि हमने भी बहुत कुछ सपना देखा है बिहार के लिए। आने वाले समय में हम लोगों को मौका मिलेगा तो बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए साथियों हम लोग शहर में रह के यहाँ पे आए हैं। आज जो हमारे माननीय बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, उन्होंने भी जब बिहार में उनको मौका मिला तो उन्होंने भी अच्छा काम किया लेकिन सिर्फ 5 साल किया क्योंकि उनके पास जो एक शक्ति था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खोते गया और संघर्ष अपने समय को दिया था। और 2010 से लेकर 2020 के बीच में देखिएगा जिन्होंने 5 से लेकर 10 के बीच में जो विकास किया उनके सामने में 2010 से लेकर 20 के बीच में 0 है। तो कहीं ना कहीं आज बिहार में हमें मानना है कि यूथ ही बिहार को आगे लेके जा सकता और इसके लिए आप लोग जो काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर काम किए जाने वाले समय में बिहार जो है यूथ का होगा। चाहे वो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो या चिराग पासवान हो या मुकेश सोनी हो या कन्हैया हो, तमाम यूथ बिहार के आगे आ रहे हैं। एक जगह पर याद खत्म हो रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें आप लोग हम लोगों के पास एक बड़ा समय मिलेगा, बड़ा मौका मिलेगा। 30-40 साल हमको बिहार को बिहार के लोगों को सेवा करने का मौका मिलेगा लेकिन उसके लिए सही विचारधारा और सही से संगठन के प्रति काम करने की जरूरी है। बिहार के जनता के लिए आपको काम करना पड़ेगा, निश्चित तौर पर बिहार का जनता आपसे भरोसा करेगा। इसलिए तमाम साथी को यहाँ पे युवा साथी को जो भी हमारे विकास भाषा जी के तरफ से आएगा जो पार्टी से जुड़े हुए तमाम साथी है सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक कार्यक्रम हमारा है 5 तारीख को सुबह 11 बजे में मैं फेसबुक लाइव आऊंगा और बिहार के बारे में हमारे पार्टी के बारे में हम कुछ बात को हम रखेंगे। इसके लिए आप लोगों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि बिहार के कोने कोने तक हमारे विचारधारा हमारे मिशन और विजन बिहार के हर कोने कोने तक पहुंच सके। इसके लिए आप सभी को फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये कार्यक्रम मैं आप लोगों को सौंप रहा हूँ। एक्चुअली मेरा कहीं और कार्यक्रम है 2 बजे से, इसलिए मैं ज्यादा समय आप लोगों के बीच में नहीं दे रहा हूँ लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप लोगों के साथ बैठेंगे और हर पंचायत में बैठ के हम पार्टी को मजबूत करेंगे और हम चाहेंगे कि कुमराल विधानसभा में बीजेपी पार्टी चुनाव लड़े और जिसे यूथ को हम जवाब देने का आने वाले समय में काम करेंगे। और क्या है हम गठबंधन में है और गठबंधन का धर्म हमें निभाना चाहिए और जब भी जो भी निर्णय लेंगे गठबंधन के प्लेटफॉर्म से निर्णय लेंगे लेकिन हमारा इच्छा है कि हम बीजेपी पार्टी पटना में कुमराल विधानसभा में चुनाव लड़े, इसलिए हम गठबंधन में मजबूती से बात करते हैं। और आपके ऊपर दबाव नहीं है कि आप लोग बूथ को संगठन को मजबूत खड़ा करके रखिएगा तो आधे रात को भी अगर आपको और मौका मिलेगा लड़ने का तो आप वो लड़ाई लड़िएगा और जीतिएगा। अगर संगठन नहीं बना रहेगा तो आप लड़ाई नहीं जीत पाइएगा। अगर मैं खगड़िया लोकसभा में चुनाव अगर मैं हारा हूँ तो सिर्फ उसका अगर एक कारण अगर मैं दूंगा तो मेरा संगठन कहीं ना कहीं वहाँ पे कमजोर था, बूथ कमेटी सही नहीं था, इसके कारण हम वहाँ पे चुनाव हारे। इसलिए साथियों हम लोगों को मजबूती से वो परिस्थिति दोबारा नहीं आए कि हम लोगों को हार का सामना करना पड़े। इसके लिए हमारे पास अभी भी समय है, 2-2.5 महीने का समय है। अभी से आप लोग लग जाइए, हर बूथ पे कमेटी बनाइए, हर बूथ पे आप
साथी लोग होना चाहिए ताकि चुनाव में आपको बहुत मदद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम साथी को। विकासशील इंसान पार्टी के खास मोर्चा के अध्यक्ष विकास मोर्चा जी, यहाँ पर बच्चे से युवाओं के घर घर विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी, अनंत मंसल जी, पटना जिला के अध्यक्ष अर्जुन सहनी जी एवं यहाँ पर से तमाम युवा साथी साथियों, इस तरह का यह बैठक चल रहा है और विकास मोर्चा से हम आग्रह करते हैं और यहाँ के जितने युवा साथी हैं जो विकास मोर्चा जी को जानते हैं, दोबारा विधानसभा से चुनाव लड़ाना उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं कि आप दोबारा विधानसभा में हर बूथ पर बीस सीटों से खड़ा करें। पार्टी को अगर दोबारा विधानसभा